अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम की ताज़ा तरीन अपडेट के हवाले से। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के लिए बहुत ही खास अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जिन बेनिफिशरीज को इंतज़ार था कि हमारी 2024 की नई किस्त कब आएगी, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद एहसास प्रोग्राम की और 81 वे पोर्टल में एक तब्दीली की गई है, जो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और आप खवातीन के लिए वो बहुत ही अहम और ख़ास होने जा रही है, क्योंकि इस अपडेट का काफ़ी ज़्यादा खवातीन को इंतज़ार था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात से परेशान थे कि 81 की जानिब से कुछ लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने सर्वे दोबारा करवा लें, और कुछ ऐसे अफराद हैं जिनके पास ये मैसेजेस नहीं आते थे और इनको ये परेशानी होती थी कि वो कैसे चेक कर पाएंगे कि हमें हमारे सर्वे दोबारा करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। और आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि दो खानदानों को, दो किस्म की औरतों को अपने सर्वे करवाने चाहिए और बाकी औरतों को अपना सर्वे नहीं करवाना चाहिए, इन्हें पैसे मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, एंड तक देखना है, क्योंकि मुकम्मल तफसीलात आज की इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लगी बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मजीद ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जिन खवातीन को 81 की जानिब से SMS मौसूल नहीं हुए, तो इनको क्या करना चाहिए, वो कैसे अपनी अहलियत के बारे में चेक कर पाएंगी कि इन्हें अपना सर्वे करवाना चाहिए नहीं, तो ये आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये भी बताएंगे कि आपको 9000 रुपए की किस्त आपको कब मिलने जा रही है। तो ऐसी खवातीन जिन्होंने 2023 के दूसरे या तीसरे महीने के अंदर अपने सर्वे करवाए थे, इन खवातीन को सर्वे दोबारा नहीं करवाना चाहिए। और दूसरी जो औरतें हैं जिनको 3 साल से ज़ायद दिन हो चुके हैं, अब वो कैसे चेक कर पाएंगी घर बैठे अपना सर्वे हमें दोबारा करवाना चाहिए या नहीं, आगे चल के आपको इसी वीडियो में एक स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे। इसमें ये वाजे तौर पर लिखा हुआ है, जो बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 81 में चेंजिंग की गई है, जब आप अपना ID कार्ड पुट करेंगे, तो ID कार्ड पुट करने के बाद आपको ये वाजे तौर पर बता दिया जाएगा कि आप अपना सर्वे दोबारा करवाएंगे या नहीं। पहले आपको बताया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में अहल हैं या नहीं, तो आपको ये बताया जाएगा कि आप दोबारा सर्वे करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। इसमें ये चेंजिंग की गई है, और आपको 2024 के अंदर जो एहसास प्रोग्राम की किस्त है, बेंसिर कफालत प्रोग्राम की किस्त है, जिन खवातीन को पहले 8500 रुपये की किस्त मिल चुकी है, अब उनको 9000 रुपये की किस्त हुकूमत की जानिब से कब दी जाएगी, तो आप कुछ ही दिन बाकी हैं, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है और इलेक्शन के फौरी बाद आपको ये 9000 रुपए की पेमेंट दे दी जाएगी और ये आपके अकाउंट में मरहलावार आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आपको फरवरी और मार्च के अंदर आपको ये 9000 रुपए की जो किस्त है वो मिल जाएगी, ये आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि 9000 रुपए की जो किस्त है वो इलेक्शन के फौरी बाद ही आपको जारी कर दी जाएगी, और आप अपने करीबी BISP के ऑफिस पहुंचकर वहां पर आप अपनी ये पेमेंट चेक भी करवा सकते हैं और इसके बाद आप पेमेंट वसूल कर सकते हैं। तो ये वो स्क्रीनशॉट था। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि बराए मेहरबानी आप अपने करीबी अदायगी मराकज से अपना सर्वे दोबारा करवा लें, तो अब आसानी हो चुकी है, आप अपने घर बैठे चेक कर पाएंगे आप कैसे अपना सर्वे करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।